third part. No deals and directors were asking me, but I was getting the information. They are very curious when the result is getting published. I was keeping telling these people that don't publish, don't tell them when it is getting published. Make it, keep it a surprise so that everybody will be surprised. Now in 10 days you have a result. आपण देखंतु आज गोटे ऐतिहासिक दिन जे आमर ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस एस्टाब्लिश हला दिन ठारु मेडिकल कॉलेज रो रिजल्ट पब्लिश आज हला प्रथम थर पाई एवं मु समस्त को शुभेच्छा जणैबी ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस रो समस्त स्टाफ एंड इंक्लूडिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर साहू को आगरु एते वर्ष धरिकी जेबेटु मेडिकल कॉलेज हलाने आदर उत्कल यूनिवर्सिटी नले संबलपुर यूनिवर्सिटी नले ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी तार रिजल्ट पब्लिश करथला किंतु आज दिन रे आमर ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस फुल फ्लेज फंक्शनिंग करिवा आरंभ हला एवं रिजल्ट पब्लिश हला ता सहित आज किछि आमे गत 19 सेप्टेंबर रे 8-10 इंस्टीट्यूशन सहित एमओयू होइतला आज मध्य 3टा इंस्टीट्यूशन सहित ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस रो एमओयू होइछि तार मुख्य उद्देश्य हला जे आमर एमबीबीएस डॉक्टर्स पीजी परे से माने पीएचडी प्रोग्राम हायर रिसर्च पई जिबे तो एटा गोटे भल साइन जे आम पिला रिसर्च एक्टिविटी रे आगो को जिबे एटा गोटे बड़ उपलब्धि तृतीय कथा जो कथा आपण पचारले जे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन तो आमे डिजिटल हेल्थ मिशन माध्यम रे पूरा स्टेट रे आमर जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन अच्छी हॉस्पिटल अच्छी ता सहित रोगी इंटीग्रेशन करिकिरी आमे तार गोटे डिजिटल मैप भाया डाटा इनफॉरमेशन करा जीवो जो थे कि आपण को पेसेंट कौन ट्रीटमेंट पाउछि ता गोटे यूनिक आईडी नंबर पाइब केतरा हॉस्पिटल रे कौन बेड अच्छी कि नहीं ये पूरा एकदम गोटे मेडिसिन कौन पाइला ता सहित ताकू इंटीग्रेट कर आयुष्मान भारत योजना सहित एवं गोपबंधु आरोग्य योजना सहित जहाद्वारा कि आम पेसेंट आउ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन सहित गोटे डिजिटल इनफॉरमेशन आपण डैशबोर्ड रे शेयर हो आपण माने जानि पारे आम एथर तो बजेट रे प्रावधान करिछु ता पई आमर प्रिपेरेटरी वर्क चली छि एवं बहुत जल्दी आपण मान को प्रेस मीट करि कि हम आमे जणै समस्त अपेक्षा छि आयुष्मान भारत केबे लागू हेबो उतर मोडालिटी कोन केते बेनिफिट पाइबे केते जणो आपण देखंतु आयुष्मान भारत योजना रे आमे बहुत शीघ्र लागू करै आमे जाउछु तार आमर किछि बैक एंड रे डाटा काम चली छि आउ आयुष्मान भारत योजना आउ गोपबंधु आरोग्य योजना जितेबले आमर लागू हम आम आकलन करुचु पाखापाखि 3,50,00,000 लोकंकु इंडिविजुअल कार्ड इश्यू करा हबो एवं ए कार्ड टी आयुष्मान भारत योजना आउ गोपबंधु आरोग्य योजना रे जो कार्ड एटा पूरा भारत वर्ष रे पाखापाखि आमर आकलन रे 27,000 हॉस्पिटल सहित अनुबंधित हबो एवं लोके तार कैशलेस सुविधा पाइबे हाँ निश्चित भाव रे एटा तो आम से नेशनल आपण आयुष्मान भारत योजना जोटा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी जोटा घोषणा कर 70 वर्ष ऊर्ध प्लस आमर ओडिशा सरकार मोहन माझी सरकार रे मुख्यमंत्री जो घोषणा गत बजेट जहाँ अच्छे आम सिंक्रोनाइज करके व्यवस्था गोटे कार्ड गोटे आपण देखंतु पाखापाखि गोटे फैमिली गोटे कोटी फैमिली पे आमर आकलन अछि सेथिरे आमर पाखरे गोटे लिस्ट जहाँ अछि अराउंड 67 लाख फैमिली जो माने एनएफएससी नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम आउ एसीसी लिस्ट गोटे होता पुराणा 2011 रे ताकु नेकर गोटे लिस्ट होता से एबे पर्यंत अछंति एवं रेस्ट जहाँ रहीगले आ पाखापाखि 33 लाख फैमिली ये माने गोपबंधु आरोग्य योजना रे रहिबे तो आमे आमर गोटे कोटी फैमिली को ये जो कार्ड दिया हबो ये इंटीग्रेटेड कार्ड हबो कॉमन कार्ड हबो डिफरेंट कार्ड हबार नाही कॉमन कार्ड हबो सेही कार्ड रे ये माने ये जो मु कहली जे 27,000 आमर जो हॉस्पिटल रे ये माने तार लाभ कार्ड रे अधिक लाभवान निश्चित भाव रे ये कार्ड रे अधिक लाभवान हबे पुराना कार्ड रे आपण 950 हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन सहित अनुबंधित थिला पूरा भारत वर्ष रे चालू नथिला एथिरे आउतरु बड़ सुविधा हला जे आमर जो माइग्रेंट वर्कर आम राज्य रु अन्य राज्य को काम धंदा रे जाउछन्ते से माने जो हैरान हंत संत होतिले तांकर चिकित्सा पाउ नथिले
तो डेफिनेटली आयुष्मान भारत योजना आ गोपबंधु आरोग्य योजना कार्ड रे समान बेसी लागो आपण देखंतो आयुष्मान भारत योजना रे 5 लाख अछि किंतु स्टेट रे हम स्पेशल प्रोविजन करिछु ताकु अप टू वुमेन पई जोटा कहाइ थिला अप टू 10 लाख सर आउटा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को त आपण बोलथि टिके सर डिटेल्स रे कह देबे ई नेशनल हेल्थ जो डिजिटल हेल्थ मिशन रे कोन कोन हबो आपण देखंतो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये कार्यक्रम ओडिसा भारत वर्ष रे प्राय लागू होतला किंतु ओडिसा सरकार लागू कर नथिले आमे ताकु ई वर्ष बजेट रे प्रावधान रखिछु लागू करिवु एवं लागू कला परे आमे मेपिंग करू जोटा देखते गोटे पेसेंट आसला से पेसेंट हॉस्पिटल को गला आपत देखुए गोटे कागज स्लीप्टे देखिए छाड़ दे आम तार आधार कार्ड सहित तार गोटे यूनिक आईडी जेनेट होता है जोटा आपणकर आयुष्मान भारत योजना गोपबंधु आरोग्य योजना कार्ड गोटे नंबर थी ता सहित इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन है से कौ हॉस्पिटल को जाइए केते थर ट्रीटमेंट होती कौन मेडिसिन नहीं तार गोटे डाटा बेस कौन डीज होता से आउ धरंतु गोटे लोकटे ओडिशा रे अच्छी से गला दिल्ली ट्रीटमेंट पर से आउ कागज पत्र फाइल बोह तोर डॉक्टर पचारू थ फाइल कुआ गला कागज कुआ गला ए नहीं से आईडी मारला मानक जना पड़ो से कौटी ट्रीटमेंट होता कौन डीजीज हो जाए कौ कौ डॉक्टर देखे कौन तो यहाँ गोटे एवं आम जो डिजिटल इंडिया कनसेप्ट आड़ को जिते जाऊा कहीं पचर र परीक्षा सर देखु गोटे यहाँ भिन्न प्रसंग मुझे एग्जामिन करुच्छे मंत्र नहीं बिल्कुल देवा कथा नुह कि आम पूर्व सरकार जेहे रही आम देखु एग्जामिन करुचु आम कौन पिला भविष्य में खेल परीक्षा पूरा संपूर्ण निर्भुल हम कई पिला बिल्कुल नहीं आम एग्जामिन करुचु तो अनबल आम कथा एग्जामिन करुछु पिलामने आश्वस्त रहंतु जहाँ भी डिसीजन हो विश्वविद्यालय जो विगत देढ़ वर्ष हलाणी तयारी हेतला एटा प्रथम थर पई जो परीक्षा कंडक्ट करिकरि गोटे रेकर्ड टाइम भितर परीक्षार फल प्रकाश करागला 21 तारीख दिन गला मासरे परीक्षा सरला 1 तारीख दिन परीक्षार फल प्रकाश है यहाँ ओडिशा इतिहास मेडिकल क्षेत्र में आज पर्यंत केवल माने यहाँ हेल्ला सुविधा कौन ना आम पाने परीक्षा फल डिले हवा हेतु पाठ पढ़ा हायर स्टडीज को करवा सब बहुत सफर करुले जोड़ा कि आगु सब उत्कल यूनिवर्सीटी भंज विहार संबलपुर यू यूनिवर्सीटी जो गुड़ा बहुत प्रोब्लेम होता बर्तन यही हेल्थ यूनिवर्सीटी है सब जिन गोटे स्ट्रीमलाइन मोड को आसला तो राज्यर मेडिकल कलेज शिक्षा परीक्षा गवेषणा एवं ए सबक जदि स्ट्रीमलाइन कर दिया जिबो रोगी सेवा एवं लोकाभिमुखी करहब स्वास्थ्य सेवा को ना अदरवाइज आम भल डाक्तर तो या भल चिकित्सा हेना तेनालीटा हाँपाई केमती करा तो से आज दिन ये विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक दिन एक्चुअली बर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल क्षेत्र में बहुत जोर माड़ी चलती जो आमे जो अनुबंधित जो होचो जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन संगे ऑलरेडी 5 ऑर्गेनाइजेशन गला 21 तारीख दिन होतीलु आईआईटी एम्स भुवनेश्वर नाइजर एक्सआईएमबी एवं श्री श्री यूनिवर्सिटी आज हेलु एम्स भुवनेश्वर नर्सिंग कहीं आम नर्सिंग एक्चुअली गोटे बड़ अवहेलित अवस्था अच्छी मेडिकल कलेज नर्सिंग सिस्टम मुझे आसला फिल कली जे आम एत अवहेलित अवस्था अच्छे आम रोगी मैंने सेवा पाइबार बड़ डिफिकल्टी फिल कर फिल कर जानते हैं सालाइन चलिए हाँ मोड़ी दि चक ये जो आटीट्यूडा चेंज करवाई एम्स को नहीं एम्स ट्रेनिंग दे एम्स फैकल्टी को आम मेडिकल कलेज को आनी यू करने एम्स डायरेक्टर सागर नर्सिंग गोटे एमओयू है आईसीएमआर जोटा कि इंडियन काउनसिल अफ मेडिकल रिसर्च सी भी गोटे अनुबंधित है आईएलएस जो इनिट्यूट अफ लाइफ सैंस अच्छी तार जो डिफरेंट प्रोग्राम को आमे नेले आमे एबे स्टार्ट करियाकु जाउचु कना केबे पोस्ट इंडिपेंडेंस स्वाधीनता परठारु कोनोसी मेडिकल कॉलेज रे आम राज्य रो पीएचडी प्रोग्राम नाही प्रथम थर पई आमे पीएचडी प्रोग्राम करिया प्लान रखिचु सर आईएलएस यू एमयू साइन कला आपनको स रोगी रो लक्षण देखि उपशम कहबो एआई से केमती कोन काम सेटा एक्चुअली गोटे डाटाबेस थे गोटे सेटा को कहंती गोटे डाटा लेक बोली जो थरे जेमती नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आपन सुनिले जे रोगी आसीबो गोटे डाक्तर को कटक देखेला
ସେ କଟକରୁ ଗଲା ପରେ ବମ୍ବେ ପଳେଇଲା, ତାର କୌଣସି କାମ ଅଛି ସେଠି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛି ସେଠି, ଆଉ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲ ତାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ଡାକ୍ତର ତାର ଆଇଡ଼ି ଯଦି ୟୁନିକ୍ ଆଇଡ଼ିଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫିଟ୍ କରିଦେବ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଏକ୍ସ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, ଏଇ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଆ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଆ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଥିଲା। ଆମେ ସେଇ ଡାଟା ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଏକାଡେମିକ୍ସ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଡାକ୍ତର ଆଉ ରୋଗୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବେଳେବେଳେ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା କି ଏଇଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କରିକି ତାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରି ଡାଟା ବେସ୍ ଆମେ ତିଆରି କଲେ ଆମର ଗବେଷଣା ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼େ ଆଇଡ଼ି କହିଦେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଡାଟା ପାଇଯିବେ। ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଆସିଲା ପରଠାରୁ କରୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ କହିଲେ ଆମକୁ ଜାଗା ହେଉନି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଆ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଜାଗା ହେଉନି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ଼ ହେବେ। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ପୁଣି ଏମିତି ପାଇବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେଟା ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ, କାରଣ ଆମକୁ ଆଗାମୀ 40-50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ 30 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବ, ଏତିକି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଏତେ ପିଲା, ଏତେ ଫାକଲ୍ଟି, ତାକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ଦରକାର। ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଠି ସେ ଜାଗା ଦେଖିଲି ଠିକ୍ ଅଛି 15-16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆହୁରି କେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକା ଜାଗା ନେବୁ, ଆମକୁ 100 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ଟା ଭଲ ହେବ। ହେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।